Hello dear students, welcome to class 4 subject maths. In this video, let's continue our lesson. Kya? How heavy and how light? ठीक है, अभी activity देखी थी, अभी next देखना है grams and kilograms. अभी हमें weight पढ़ना है. हमने अभी तक जब भी हम grocery shop में जाते थे तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे 1 kg of कुछ तो भी sugar दे दो, है ना, या फिर 1 kg मतलब 1 kilogram. तो हम ऐसे ही बोलते हैं. तो अभी हमें देखना है कि ग्राम मतलब कितना होता है एंड किलोग्राम मतलब कितना होता है ना. तो नेम फाइव थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय, जो हम हमेशा दुकान से खरीदते हैं. क्या क्या खरीदते हैं ग्राम में, हम क्या क्या खरीद सकते हैं ग्राम में, क्या खरीदते हैं? टी पाउडर, राइट. टी पाउडर हमें एक पाव यानी कि 250 ग्राम का खरीदते हैं. के जी में क्या खरीदते हैं? शुगर. उसके बाद राइस खरीदते हैं. उसके बाद फ्रूट्स भी खरीदते हैं ना, के जी में फ्रूट्स हम खरीदते हैं. उसके बाद वेजिटेबल्स भी खरीदते हैं, पोटैटोज़ वगैरह लाते हैं ना, 1 kg 2 kg. उसके बाद और क्या खरीदते हैं केजीज में, लिख सकते हो. और उसके बाद ग्राम में क्या रहता है? सोप रहता है. उसके बाद टूथपेस्ट, राइट. टूथपेस्ट भी हम ग्राम में ही लेते हैं. उसके बाद और क्या लेते हैं ग्राम में? गोल्ड, है ना. गोल्ड हम के जी में ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो बहुत प्रेशियस होता है, इसलिए हम उसको ग्राम में ही ले सकते हैं. ठीक है, इस तरह से आप बहुत ऐसी लिस्ट बना सकते हो जो हम ग्राम में एंड किलोग्राम में ले सकते हैं. अभी क्या है? विच इज़ हेवियर, मतलब क्या, कौन सा भारी है. विच इज़ हेवियर, 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन. अभी ये बताओ कि ये जो 1 kg का एक हाथ में इन्होंने क्या लिया? आयरन लिया है. और दूसरे हाथ में क्या है? 1 kg ऑफ कॉटन है. अभी 1 kg ही है कॉटन भी और 1 kg है आयरन भी. तो अभी मुझे बताओ कौन सा भारी होगा. दोनों का वेट क्या है? ओनली 1 kg ही है. इसका भी 1 kg, इसका भी 1 kg. तो कौन सा भारी और कौन सा लाइट? ऐसा हो सकता है क्या इसमें? नहीं, दोनों भी कैसे है फिर? सेम ही है ना, क्योंकि सेम किससे पता चलता है? क्योंकि ये भी 1 kg है और ये भी 1 kg ही है. इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? दोनों का वेट क्या है? सम है. कोई भारी नहीं है और कोई लाइट नहीं है, दोनों भी सेम ही सेम है. ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे दिखा है कि देखो यहाँ पे किसी ने तो भी क्या कर दिया उसको, वाटरमेलन फेंक के मार. सर शी थ्रेव अ वाटरमेलन एट मी. उसने सर से क्या कंप्लेंट किया कि ये जो लड़की है इसने क्या कर दिया, इस लड़की को वाटरमेलन फेंक के मारा. तभी ही थ्रेव अ 1 kg पिलो ऑफ कॉटन, सो आई थ्री 1 kg ऑफ वाटरमेलन. फिर वो लड़की क्या बोलती है, इसने मेरे पे पूरा 1 kg पूरा जो कॉटन का पिलो था वो मुझे फेंक के मारा, इसलिए मैंने भी क्या किया, 1 kg का वाटरमेलन उसको फेंक के मारा. यस्टरडे यू सेड दैट द वेट ऑफ 1 kg कॉटन एंड 1 kg मेलन इज इक्वल, क्योंकि आपने क्या बोला था परसों के दिन कि 1 kg ऑफ वाटरमेलन है और 1 kg ऑफ कॉटन है, दोनों का वेट कैसे रहता है? सेम ही रहता है. इसलिए उसने मुझे अगर 1 kg का मारा फेंक के, तो मैंने भी क्या कर दिया, उतना ही उसको मार दिया. तो फिर क्या, ओ नो आई कांट बियर दिस पेन. तो फिर अभी मुझे बताओ कॉटन का पिलो ज़्यादा लगेगा या फिर वो वाटरमेलन उसको ज़्यादा लगेगा? तो ऑफ कोर्स कॉटन का वो पिलो जो ये जो है वाटरमेलन वो उसको ज़्यादा लग गया होगा, राइट. तो उसको क्या हो गया, पेन हो गया. अभी एलिफेंट्स वेट, किसका वेट? एलिफेंट का वेट. वंस अ किंग हैड अ पेन इन हिज स्टमक. अभी क्या हो दिया, एक जो किंग था उसके पेट में क्या हो रहा था, पेन हो रहा था, राइट. नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर्स कुड क्योर हिज पेन. पैलेस मतलब क्या, उसका जो किंगडम रहता है ना, जहाँ पे राजा रहता है उसका पूरा वो राजमहल. तो उसमें क्या था, उसमें जितने भी जो वैद्य थे, है ना, उसमें वैद्य बोलते हैं डॉक्टर्स को, तो वो किसी को भी वो पेन क्या कर दिया उन्होंने, वो ठीक नहीं कर पाए. ठीक है, देन द किंग सेड, किंग क्या बोलता है, एनी वन हु क्योर्स माई पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट. उन्होंने क्या बोला, अगर कोई भी अगर ऐसा है इसमें कि जो मेरा ये जो पेट दुख रहा है अगर वो मुझे ठीक कर दे दवाई देके या फिर कुछ भी करके, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक हाथी का जितना वेट होता है उतने ही वेट का मैं क्या करूँगा, उसको सोना दूंगा, है ना. ऐसे बोलते हैं ना राजमहल में, ऐसे होता है. तो फिर सब तो खुश हो जाएंगे, है ना. तो फिर क्या होता है, ऑन हियरिंग दिस, ऐसे सुनने के बाद डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री केम. तो ऐसे सुन होता है ना, सबको पता चल गया कि किंग ने ऐसे बोला कि अगर कोई उसको ठीक कर देता है तो वो क्या करेगा, एक हाथी के वेट इतना सोना उनको देगा. तो फिर दूर दूर से डॉक्टर्स आते हैं, हर एक अलग अलग कंट्री में के डॉक्टर वहाँ पे आते हैं, क्योंकि सबको सोना तो चाहिए, है ना, सबको पैसा चाहिए. बट ओनली डॉक्टर वैदिका
कुड क्योर हिम, लेकिन क्या हुआ, इतने सारे डॉक्टर्स आ गए लेकिन किसने उनको क्योर कर दिया, एक वैदिका नाम की डॉक्टर थी, उन्होंने ही उनको उसको ठीक किया। कैसे, ओ ग्रेट माई पेन हैज़ गॉन, थैंक यू डॉक्टर वैदिका। फिर उन्होंने क्या बोला, किंग ने डॉक्टर वैदिका को थैंक यू बोला क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, उनका पेन ठीक कर दिया। सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड्स नाउ सर, फिर वो वैदिका डॉक्टर क्या बोलती है, अभी मैंने तो आपका पेन ठीक कर दिया तो अभी मुझे जो आपने रिवॉर्ड बोला था वो क्या होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, है ना। तो वैदिकाज डॉटर वेंट इन टू अ रिवर, शी मार्क ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर। फिर उन्होंने क्या कर दिया, एक वैदिका की जो डॉटर थी वो क्या कर दिया, वो कहाँ पे गई, रिवर में गई, और उसने क्या कर दिया, एक जो बोट थी उस पर क्या कर दिया, एक मार्क निकाल दिया, है ना, कि वो कितना अंदर जाता है। देन शी आस्क देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इन टू द बोट, उसने क्या बोला फिर, कि अभी हाथी को क्या करो, वो जो हाथी है उनको क्या करो, उसमें बोट में ला। द बोट सैंक डीपर, तो वो बोट क्या हो गया, बहुत नीचे चला गया। अभी हाथी का वेट इतना छोटा होता है क्या, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके वेट के वजह से क्या हो कर दिया, जैसे कि जो हमारा तराजू होता है वो हैवी वेट के कारण कैसे जाता है, नीचे जाता है, तो उसी तरह से ये जो बोट था वो भी कहाँ चला गया, पानी के अंदर नीचे चला गया। सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट, फिर उसने क्या कर दिया, जितना वो अंदर गया उसके बारे में, उसके बाद में उसने क्या किया, एक और वहाँ पे मार्क कर दिया। अभी क्या होता है देखो, नाउ इमेजिन व्हाट हैपन नेक्स्ट एंड कम्प्लीट द स्टोरी। आपको क्या करना है, इमेजिन करना है और आगे स्टोरी में क्या होगा ये आपको मतलब सोचना है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ वैदिकाज डॉटर फाउंड द वेट ऑफ द एलिफेंट। अभी आपको फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, वो जो वैदिका है वो कैसे हाथी का वेट फाइंड आउट करेगी, ठीक है। तो हमें यहाँ तक ये स्टोरी देखी है, तो हमें ये जो इसकी ये इसका जो आंसर है आपको डिस्कस करके लिखना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताने वाली हूँ। सो थैंक यू।